जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वायरल देखा, बड़गाम का एक स्कूल जो आज खबरों में है, जो आज जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे इस वक्त भी वायरल हो रहा है, क्योंकि आपको बताते चलूं कि कुछ बच्चे जो टीन एजर बच्चे जो है वो एक स्कूल बस को रोकते हैं और बाद में जाके तोड़फोड़ उस बस को करते हैं। और जो है इमरान बताए क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पे, क्योंकि आज जो है एक ऐसी खबर जो है सामने आई बड़गाम की, इसके हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हो आप? देखिए फयाज, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार आप स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाने की कोशिश करें। जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा और बड़ी तेजी से बड़ी पैमाने पर वायरल हुआ, और इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे थे कि स्कूल के बच्चे जो है वो मतलब एक स्कूल बस सड़क पर मिल रही है जिसके शीशे तोड़ के टूटे हुए थे, और उसमें कुछ बच्चों के हाथ में खून लगा था, कोई अपना सर दिखा रहा था, और वहां पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ऐसा लगा दिख रहा था कि स्कूल के टीचर्स भी जो है उस वीडियो में नजर आए थे। लेकिन हमारे पास जो इनिशियल स्टेज पर उस मामले के बारे में डिटेल पहुंची, उसके हवाले से फयाज ये मामला बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों के बीच में आपसी टकरार हुई है, किसी चीज को लेकर बहस हुई थी या कुछ और हुआ था, और उसके बाद एक ग्रुप के बच्चे जो है उससे दूसरे लड़कों के ऊपर मारने लगे, या एक लड़का जो दूसरे किसी बहस में जो स्कूल एक ग्रुप ने एक कुछ लड़कों ने स्कूल की गाड़ी जिसमें बच्चे सवार थे उन शीट को तोड़ा है। उसके साथ साथ में जो टीचर्स वहां पर नजर आ रहे हैं उसमें कुछ लड़कों बच्चों को पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है, उसमें ओवरऑल फयाज के साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ बच्चों ने जो है आपस में आर्ग्यूमेंट हुई थी, हिटेड आर्ग्यूमेंट, जिसके चलते ये मामला पेश है। लेकिन उसमें अफसोस की बात तो ये है कि जिस तरीके से स्कूल गाड़ी के शीशे टूटे, उसमें हालांकि फीमेल बच्चे भी नजर आ रहे थे और मेल बच्चे भी, सारे जो है कम से उम्र के ही नजर आ रहे थे, और जो मामला वहां पर पेश आया है हालांकि उसमें कुछ स्कूल के टीचर्स भी जो इनिशियल स्टेज पर हमारे पास डिटेल है कि वो भी वहां पर इंस्टेड ऑफ की इस मामले को सॉर्ट किया जाए, वो टीचर स्कूल के टीचर्स भी जो है वहां पर उस यू नो उस बहस का कह सकती कि उस हाथापाई का हिस्सा बनते हुए नजर आए, जिसमें आपने भी देखोगा कि एक बच्चे के हाथ में स्कूल बच्चा है, शायद उसके हाथ में खून आ रहा है, दूसरा अपना सर दिखा रहा है, उसके सर पे लगी है। तो ओवरऑल वो एक शॉकिंग इंसिडेंट ही कह सकते हैं प्रयास, और अभी फिलहाल उस मामले में केस भी दर्ज किया गया है, और स्कूल का जो स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने भी कहा कि आपने हेड ऑफ द डीन या हेड ऑफ स्कूल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपके फोन का जवाब नहीं दिया। हालांकि इसमें जो वीडियो वायरल हुआ, और मैं आपसे गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आप जरूर दिखाएगा एक बार वो स्क्रीन पर कॉल के बाद, फिलहाल इस पर कार्रवाई पुलिस ने उस मामले का कॉग्निजेंस किया है, इस तरीके से वो बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन अफसोस की बात तो ये कि आप देखिए किस तरीके से वो बच्चे पहले तो स्कूटी को तोड़ रहे हैं, हालांकि मामला क्या था उस पर इग्नोरेंट इशू क्या था उस पर बात करना भी कबल जब ये वहां पर हमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ स्कूटी को तोड़ रहे हैं या कुछ बच्चों ने या किसी ने स्कूल के गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, और वहां पर कुछ बच्चे इंजर्ड भी नजर आ रहे हैं, जिसके हाथ में खून है, किसी के सर पे लगी है, या फिर वहां पर ओपनली जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी जो है वहाँ पर हाफ काटे हुए नजर आए, अब वो क्यों मार रहे थे, उसको किस लिए मार रहे थे, उस पर बात करना गवर्नर को होगा। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, आप देखिए अगर वहाँ पर साथी मौजूद थे तो नेटवर्क के पास ये था कि वो वहाँ पर सबसे पहले उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, स्पीड ऑफ की जिस तरीके से वहाँ पर वहाँ सफाई नजर आ रही है, जिस तरीके से वहाँ पर वो स्कूटी तोड़ते हुए नजर आ रही है, उससे पहले जिस तरीके से वो गाड़ी के शीशे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, या वहाँ पर बच्चे इंजर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर स्कूल के टीचर्स गाड़ी में मौजूद थे तो उनका फर्ज था। लेकिन जिस तरीके से दोनों साइड से हम देख रहे हैं कि हाथ उठ रहे हैं, स्कूटी तोड़ी जा रही है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, स्कूल बच्चे यूनिफॉर्म में, तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और इससे बदतर सिचुएशन शायद और हो नहीं सकती।